Hello everyone, let us start today with exercise 8.2, question number 1. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is this, find his original salary. मान लो कि original salary उसकी है rupees x. Let original salary be rupees x. मान लो अगर मैं कहूँ किसी person की original salary 100 rupees थी, अब उसे 10% इंक्रीज मिला है, मींस 10% ऑफ 100 ही बढ़ेगा, जो ओरिजिनल सैलरी थी उसका 10% बढ़ गया, तो दिस इज हिज न्यू सैलरी. तो सेम क्वेश्चन है, अब हमें न्यू सैलरी इज गिवन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल सैलरी में 10% का इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल सैलरी पे, देन हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000. Now we will find the original salary, that is the value of x. 10% hataya upon mein 100, of ki jagah multiply x. So 10x, maine directly likh diya ise. 1,54,000. Ye 0 se 0 cancel ho gaya. X plus x by 10 is equals to 1,54,000. Take the LCM. 10 into x plus x is equals to 1,54,000. 10 plus 1 is 11x upon 10, 1,54,000. 11 se cancel ho raha hai. 11 ones are 11, 11 fours are 44, 3 zeros are there. 10 udhar jaake multiply hoga. So number of zeros ho gai 4. So 1,40,000. Therefore, original salary हमारे पास आ गई 1,40,000. ठीक है, हमें कहा था कि अगर उसे उसके सैलरी में 10% इंक्रीज मिलता है तो न्यू सैलरी इसकी 1,54,000 है, तो ओरिजिनल कितनी थी. अगर ओरिजिनल सैलरी x थी, उसमें 10% इंक्रीज किया, तो ये उसकी नई सैलरी है. तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की, सो ओरिजिनल सैलरी उसकी थी 1,40,000. रुपीस का साइन लगाना है, जो साइन नहीं लगाओगे मार्क्स आधा आधा कटता जाएगा, सो प्लीज बी केयरफुल. नाउ नेक्स्ट इज, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू. चलो लिखते हैं, ऑन संडे पीपल वेंट टू जू. कितने लोग गए जू में, is equals to 845. On Monday, only 169 people went. On Monday, people went to zoo 169. अब आगे क्या कहा है? What is percent decrease in people visiting the zoo on Monday? So decrease in people. कितने लोग कम गए मंडे को? संडे को 845 गए, उसमें से 169 माइनस कर देंगे, इतने लोग मंडे कम गए. 15 माइनस 9, 13 माइनस 6, 7 माइनस 1. तो मंडे को 676 पीपल कम गए. अब मुझे फाइंड करना है डिक्रीज परसेंट. जैसे हम गेन परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड करते थे, अब डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है. लॉस परसेंट किसके इक्वल होता था? लॉस अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100%, यही तो फॉर्मूला होता था. तो डिक्रीज कितने लोग कम हुए? 676 टोटल 845 मल्टीप्लाई 100%. 5 से कैंसिल हो जाएगा. 5 वंस आर 5, 34, 5 सिक्स आर 30, 5 नाइन्स आर 45, 20, 2 टेन्स आर ओके, लेकिन 2 से तो ये कैंसिल नहीं होगा. 169 13 से, yes, 13 से कैंसिल करते हैं. 13 13s are 169, 13 4s are 52, 13 5s are 65, so 5 पे जाएगा. 26 13 2s are, now 13 4s are 52, 4 into 20, 80%. तो मंडे को 80% लोग कम गए जू. सो डिक्रीज परसेंट, अगर मुझे इंक्रीज परसेंट कहा होता कि कितने ज्यादा गए संडे को, तब भी हम निकाल सकते थे, राइट?
चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स, खरीदता है, इट मींस कॉस्ट प्राइस इज गिवन, एंड सेल्स देम फॉर द प्रॉफिट ऑफ 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. यहाँ पे ध्यान से देखो कि कॉस्ट प्राइस तो हमें 80 आर्टिकल्स की दी हुई है, लेकिन सेलिंग प्राइस मुझे वन आर्टिकल का फाइंड करने के लिए कहा है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू रुपीज 2400. नाउ आई विल फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, दैट इज 2400 अपॉन 80. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 8 3 24 30. तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया 30. अब मुझे प्रॉफिट दिया है 16%. प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा प्रॉफिट या लॉस, एंड कॉस्ट प्राइस वन आर्टिकल का. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल. सारे आर्टिकल्स पे नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे एक का निकालना है, तो मैं अभी एक का ही कॉस्ट प्राइस ले रही हूँ 30. ठीक है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का ही चाहिए. जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 16 3s are 48 by 10, so rupees 4.8. This is the profit. Now what do we want to find? Selling price of one article. अब profit हुआ है. Profit कब होता है? When selling price is greater than cost price. It means profit is equals to SP minus CP. मुझे find करना है selling price. That is equals to profit plus cost price. एक आर्टिकल का है तो प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, और कॉस्ट प्राइस भी वन आर्टिकल का लेंगे. एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है 4.8 रुपीज का, और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 30. सो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 34.8. इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जो कॉस्ट प्राइस है 80 आर्टिकल्स का है, और मुझे सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही फाइंड करेंगे. क्लियर? एक आर्टिकल का पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 30 रुपीज, देन प्रॉफिट निकाला एक आर्टिकल पे 4.8, देन सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 34.8. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज दिस एंड रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स. ओके, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का दिया हुआ है, हमें ये नहीं बताया कि आर्टिकल कौन सा है. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल रुपीज 15,500. मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स, जो भी आर्टिकल खरीदा है उसकी कुछ रिपेयर पे भी खर्च हुआ है, इज इक्वल्स टू रुपीज 450. तो टोटल कितने की पड़ गई वो चीज, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो दोनों को ऐड करके आया 15,500 प्लस 450, दैट इज रुपीज 15,950. इफ इट सोल्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ 15%. अब इस आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ है 15%, अगेन कॉस्ट प्राइस में. कॉस्ट प्राइस इज टोटल कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई 15950. 1595 को मल्टीप्लाई करो 15 से, क्या आया, अपॉन 10. तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट कि अमाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ हमारे पास. 1595 मल्टीप्लाई बाय 15, तो वी गेट 23925. सो 2392.5, दिस इज प्रॉफिट. अब मुझे क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस. अब प्रॉफिट हुआ है तो किसके इक्वल होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यही फॉर्मूला होता है. सो कॉस्ट प्राइस इज 15,950 प्लस 2392.5. तो मैं यही पे ऐड कर रही हूँ 0.5. 2,4,1834.2.5. So this will be the selling price of that article, 18,342.5. So
तो लास्ट में लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज 183,42.1. क्लियर? अब इसमें क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया था प्लस उसकी रिपेयर पे भी खर्च हुआ, जो उसकी रिपेयर पे भी खर्च हुआ डेट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मुझे वो चीज उसको मिला के इतने की पड़ी, तो मेरे लिए ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया. अब प्रॉफिट हुआ है उस आर्टिकल को बेचने पर 15% का, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है. तो अब यहाँ पे अगर याद ना हो फॉर्मूला, मैं बार बार कहती हूँ प्रॉफिट कब होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो एसपी माइनस सीपी, उससे फॉर्मूला लिख सकते हो. चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच. वीसीआर और टीवी दोनों को खरीदा गया है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों का 8,000, टीवी का भी और वीसीआर का भी. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर. वीसीआर पे लॉस हुआ 4% का, अगेन लॉस या प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस पे. तो 4% ऑफ 8,000, 8 4s are 32, तो 320 रुपीस का लॉस हुआ. एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, टीवी पे 8% का प्रॉफिट हुआ. सो 8% ऑफ 8,000, 8 8s are 64, तो 640 रुपीस का इस पे प्रॉफिट हुआ. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ. नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस, होल ट्रांजेक्शन मतलब दोनों चीजों का मिला के, टीवी का कॉस्ट प्राइस 8,000 था, वीसीआर का भी 8,000 था, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 था. नाउ आई विल हैव टू फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस, तभी मुझे पता लगेगा कि टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ. नाउ यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस कब होता है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. सो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. अब मुझे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस इज 8,000 माइनस 320, तो लॉस कितने का आ गया, जीरो. 10 minus 2, 9 minus 3, 7 6 8 0 आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर. अब इस पे हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 8,000 प्लस 640. सो जो टीवी है वो उन्होंने बेचा रुपीज 8,640. नाउ टोटल सेलिंग प्राइस इज 7,680 प्लस 8,640. 0, 8 plus 4, 12, 13, 8 plus 7, 15. नाउ व्हाट इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, लॉस. सो लॉस होगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यस, 16,000 माइनस, सॉरी 16,320. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, सो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 320 रुपीज का. लेकिन मुझे क्या करना है, हाँ जी मैम, द शॉपकीपर हैड द मैम 2% प्रॉफिट. ओके, सो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. दो जीरो ये कैंसिल हो गई, ये भी गया, 16 2s are 32. तो होल ट्रांजेक्शन पे उनको 2% का गेन हुआ. दोबारा से बता रही हूँ, टू आइटम्स वर देयर, वीसीआर एंड टीवी, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को बेचने पर 4% का लॉस है और दूसरे को बेचने पर 8% का प्रॉफिट है. तो हमने दोनों आइटम्स का सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया. अब मुझे गेन या लॉस परसेंट बताना है होल ट्रांजेक्शन पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड किया. टोटल सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट प्राइस, तो इट मींस प्रॉफिट हुआ.
प्रॉफिट इन रूपीज फाइंड किया, देन प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स. एक जीन्स है उसका मार्क्ड प्राइस लिखा है 1450 एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स. एक शर्ट है 850 ईच. ईच इज इंपॉर्टेंट हियर. तो ये हो गया 1700. नाउ डिस्काउंट है 10%. जब हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट इज ऑन मार्क्ड प्राइस. सो 10% ऑफ 1450. 1450 का 10% माइनस हो जाएगा 0, 0, 145. तो इतने का डिस्काउंट मिला जीन्स पे. अब इस पे भी डिस्काउंट फाइंड करते हैं कि दोनों शर्ट्स पे कितना डिस्काउंट मिला. 10% ऑफ 1700. इस पे डिस्काउंट मिला हमें रुपीज 170 का. नाउ आगे क्या कहा है, हमें फाइंड क्या करने. ओके, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे. अब कस्टमर को कितना देना है. तो अगर इतना मार्क प्राइस से इतना डिस्काउंट मिला, इट मींस कस्टमर ने वो कितने की खरीदी. कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 1450 माइनस 145 और दोनों शर्ट्स का कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए हो गया 1700 माइनस 170. इसे ये कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है, शॉपकीपर के लिए ये सेलिंग प्राइस है. शॉपकीपर ने उतने का बेचा, ठीक है. तो माइनस करो 10 minus 5, 4 minus 4, 4 minus 1, 1305 और ये माइनस किया 0, 10 minus 7 3, 6 minus 1, 15, 30 की उसे दो शर्ट्स पर. नाउ अब हमें बताना है कि दोनों चीजें के लिए कस्टमर को कितना पे करना पड़ा. तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड. सो कस्टमर हैव टू पे, मैम कैन आई टेल, हैज टू पे रुपीस, कैन आई टेल, यस मैम, रुपीस 2 or 3, 5 3, 8, 2 रुपीस 2835 कस्टमर को पे करना पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, 10% डिस्काउंट के बाद. तो मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स, उस पे डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस हो गया शॉपकीपर के लिए जीन्स का 1305, शर्ट्स का 1530. तो कस्टमर ने पे किए 2835. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोस फॉर 20,000 ईच. सो सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 1 इज इक्वल टू 20,000. ये दूसरी बफेलो है उसका सेलिंग प्राइस भी हो गया 20,000. Now, अब हमें आगे क्या कहा है. ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%. इस पे उसको गेन मिला 5% का. लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रही हूं. अब आप यहाँ पे 5% ऑफ 20,000 नहीं कर दोगे. गेन या लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस भी उसको तय करेगा. तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन ही नहीं है. सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 1 दैट इज रुपीस एक्स. तो यो गेन होगा दैट इज 5% ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बाय 20. अब ये सेलिंग प्राइस है, दूसरी पे लॉस हो रहा है 10% का. लेकिन ये भी किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस. So let cost price of other buffalo is rupees y. So 10% of y
तो इसको ध्यान में रखना है, सीधा 20,000 पे नहीं कर देना। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब जब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होता है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। मुझे क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस गिवन है 20,000, प्रॉफिट इज एक्स बाय 20। सेलिंग प्राइस 20,000 गिवन है माइनस कॉस्ट प्राइस इज एक्स। यहां से इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने पड़ेगी। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, लॉस इज वाई अपॉन 10, कॉस्ट प्राइस इसका वाई था, सेलिंग प्राइस 20,000। इन दोनों में से एक्स और वाई, मतलब दोनों बफेलो का कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करना है। सो फर्स्ट बफेलो के लिए क्या आ गया? एक्स वाली टर्म एक तरफ, एक्स बाय 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20,000। एलसीएम लिया, एक्स प्लस 20x अपॉन 20 इज इक्वल टू 20,000। 21x हो गया अपॉन 20 इज इक्वल टू 20,000। एक्स आ गया, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 41,234 अपॉन 21। नाउ डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट इज 20,000 उधर ले जाते हैं, y माइनस y बाय 10, टेक द एलसीएम, 10 y माइनस y दैट इज 9y अपॉन 10। यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, सो 20, 1, 2, 3 and 4 अपॉन 9। तो ये कॉस्ट प्राइस आएगा सेकेंड बफेलो का। फर्स्ट का कितना आया? 1, 9, दो डिजिट उतारेंगे 0, 4, 7.619। डेसिमल के बाद हम तीन डिजिट फाइंड करेंगे, 619 उसको हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 2। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बफेलो, 190। और यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड की, 9 2s are 18, फिर 2 2 बचता जाएगा 5 टाइम्स, देन डेसिमल, फिर भी 2 2। डेसिमल के बाद दो डिजिट तक लिखा, सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया बफेलो 1 का भी और 2 का भी। 1 का आया 19047.62, कॉस्ट प्राइस सेकंड का आया 22,222.2। नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस? ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे निकालने हैं, तो इन दोनों को ऐड करो, गिव मी द आंसर। टोटल सेलिंग प्राइस दोनों खरीदी थी 20,000 की ईच, तो डेट इज 40,000। 2 + 2, 6 + 2, 7, 8, 9, 4 + 2, 2, ये आ गया 41,269। नाउ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो होगा लॉस। और मुझे क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट या अमाउंट में? फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस, तो हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आई 41,269.84। यस, सो दिस इज द लॉस, कि इतना उसको दोनों के सेलिंग पे लॉस हुआ। दोबारा से बता रही हूं, टू बफेलोस उसने खरीदी, सेलिंग प्राइस इज गिवन। बच्चे जो गलती करेंगे कि गेन और लॉस 5% ऑफ 20,000 ही ले लेंगे, कि बड़ा इजी क्वेश्चन आया है हमें पेपर में, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि डेट इज गिवन सेलिंग प्राइस, और गेन या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम पहले दोनों को फेलो का कॉस्ट प्राइस मानेंगे। लेट वन फेलो का एक्स, अदर का वाई। प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी फॉर्मूला लगाया, इधर लॉस का फॉर्मूला लगाया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बफेलो, बफेलो 1 एंड बफेलो 2। ये कॉस्ट प्राइस हमने माना था, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, दोनों को ऐड किया, टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड किया। नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है टोटल सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होगा, लॉस की वैल्यू हमने फाइंड।
Let us move to the next one. The price of TV is this. Sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay. अब विनोद को कितना पे करना पड़ेगा? अगर हम मैं कोई बाजार से चीज लेने जाती हूँ, अगर हमने कहा कि 13,000 का टीवी है, तो क्या आपको 13,000 ही देने होंगे? प्लस टैक्स भी देना होगा और सेल्स टैक्स गिवन है 12% है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे मान लो गिवन था कि 12% है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000, दो जीरो कैंसिल हो गई. 13,000 12 इंटू 13 कीजिए, 10 इज देयर, 1560. नाउ एट द टर्म्स 06514. तो विनोद को टोटल पे करने होंगे 14,560. टीवी था 13,000 का, प्लस सेल्स टैक्स भी देने, तो 12% इज द सेल्स टैक्स, तो उसको टोटल अमाउंट पे करना होगा 14,560. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल. सेल में खरीदा, डिस्काउंट उसमें गिवन था 20%. अरुण ने अमाउंट पे किया 1600. अमाउंट पेड बाय अरुण 1600. अब अगर मार्क्ड प्राइस उस चीज पे एक्स था, तो उसमें से 20% माइनस किया तो उसने 1600 पे किया. हमें मार्क्ड प्राइस नहीं पता, लेट मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स. अब जितना टैग पे लिखा हुआ था उसमें से उसको 20% डिस्काउंट मिल गया, तो उसने 1600 पे किया. अब उसका मार्क्ड प्राइस कितना था, टैग पे कितना रेट लिखा हुआ था, ये हमें फाइंड करना है. तो लेट अस सॉल्व. 25 आर एक्स माइनस एक्स बाय 5, टेक द एलसीएम हियर. 5x माइनस एक्स 4x by 5 is equals to 1600. 1600 multiply 5 by 4. 4 4s are 16, 20. So marked price jo tha skates ka, marked price of skates is equals to rupees 2000. Matlab jab usne kharida to uspe jo tag laga tha wo tha 2000 ka, lekin use mila 1600. 20% discount ke baad. Next one, I purchase a hair dryer for 5400 including 8% VAT. So ye hame cost price padi, khareeda aapne, cost price of hair dryer including VAT, isme VAT bhi include tha, is equals to rupees 5400. Let cost price of hair dryer before including VAT. जैसे हमने previous question किए rupees x. अब किसी चीज की जो cost है x rupees थी, उसमें 8% VAT भी include कर दिया, तो वो चीज मुझे इतने की पड़ी VAT को देने के बाद. तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था बिफोर वैट ऐड करने से पहले, उसका अमाउंट क्या था वो हम फाइंड कर लेंगे. टेक द एलसीएम, 100x प्लस 8x 5400, सो 108x अपॉन 100. x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108. 25s आर, 24s आर 27, 2s are, 2 5s are 50, so 5000. VAT include करने से पहले वो जो हेयर ड्रायर था उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू थी 5000. क्लियर?
आपने ध्यान से देखना कि वेट उसमें इंक्लूड किया है नहीं किया है. एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर दिस इंक्लूडिंग जीएसटी. अब तो जीएसटी लगती है, वेट नहीं है, जीएसटी. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी, बिल्कुल प्रीवियस के जैसा क्वेश्चन है, इज रुपीज 1239. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड. जीएसटी एड करने से पहले उसकी कीमत एक्स रुपीज थी. अब कोई चीज जिसकी वैल्यू एक्स रुपीज है उसमें 18% जीएसटी ऐड करके हमें पड़ी 1239 की. सो एक्स प्लस 18/100, टेक द एलसीएम, 100x प्लस 18x, 118x, 1239. तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, डिवाइड कीजिए इसे. यस, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से हो रहा है, चेक करो. 9 प्लस 3 12, 14 15. नहीं, 3 से तो नहीं होगा, डायरेक्टली डिवाइड कर दो 118 से. वन टू थ्री नाइन डबल जीरो को डायरेक्टली डिवाइड करो 118 से, यू विल गेट 1050. सो जीएसटी इंक्लूड करने से पहले उस आर्टिकल का प्राइस था 1050. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम.